तो फ्रेंड्स आज का जो एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस देख सकते होंगे, एप्लीकेशन काफी तक गजब का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को लोगो देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन को लोगो भी देख सकते होंगे। जेम्स रस प्ले टू अर्न गेम का ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ही गजब का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत सारे नए ऑप्शन मिलते हैं अर्निंग करने का, बिल्कुल ही 1K इसका डाउनलोड है, मतलब बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन ये वाला, मतलब मार्केट में एप्लीकेशन बिल्कुल ही गजब का है। अगर इसका पेमेंट प्रूफ का मतलब रिडीम लगाने का मेथड का सेक्शन का देखिएगा तो आपको रिडीम कहां कहां पर मिलेगा आप लोग चेक कर सकते हो। पेपर कैश मिलता है, पेपर कैश का जगह पर पेपर कैश लेते हो अमेज़न का गिफ्ट कार्ड मिलता है। अमेज़न गिफ्ट कार्ड तो आपको लाइव पेमेंट प्रूफ लेकर भाई लाइव अर्निंग करूंगा इसमें से अमेज़न का गिफ्ट कार्ड, उसे मैं आपको लेकर के दिखाऊंगा। फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है, जी हां दोस्तों फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट वाउचर मिलता है आप लोग देख सकते हो। अमेज़न का मिलता है, पेपर कैश ये सब कुछ मिलेगा आज के इस वीडियो में। पेपर कैश तो भाई इसका बौछार कर देगा पेपर कैश का, लेकिन हां अमेज़न का गिफ्ट कार्ड आप लोग लेना चाहते हो आप अमेज़न का गिफ्ट कार्ड आसानी से ले सकते हो, और फ्लिपकार्ट का वाउचर लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट का वाउचर ले सकते हो, और भी बहुत सारे गिफ्ट कार्ड है बट आप लोग जो भी पसंद है उसको ले सकते हो। चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो में आप लोगों को लेकर के चला जाता हूं, और आज का हमारा जो नया वाला एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन कितना ज्यादा गजब का एप्लीकेशन, मार्निंग कैसे कैसे करना है। जेम्स रस करके एप्लीकेशन का नाम है, बिल्कुल ही गजब का है, बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन। बिना टाइम को गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं एप्लीकेशन के बारे में। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट कर देने के बाद मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। भाई एप्लीकेशन को ओपन कर देने से पहले अगर भाई आप लोग इस बात को कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के घर में किसके किसके घर आम का पेड़ है, और आम का पेड़ है तो क्या आप लोगों ने इस तरह से ताजा ताजा आम को खाया कभी, और खाया तो कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, किसके घर में आम का पेड़ है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि देखो मेरा घर में तो आम का पेड़ है नहीं बट मुझे बगल से मिला, देखो ये आम मुझे बहुत ज्यादा गजब का लग रहा है। और आप लोगों में से किसके किसके घर में आम का पेड़ है कमेंट करके आज की वीडियो में जरूर जरूर बताना। हो सके तो कम से कम एक आदमी दो कमेंट करना आम का पेड़ है तो उसको बताया बारे में बताना, और है तो फिर क्या खाए हो अभी तक कि नहीं, मतलब आपका आम फर रहा है या फिर छोटा है कि बड़ा है क्या है, मतलब उसके बारे में बताना। तो एप्लीकेशन का इंटरफेस आप लोग देख लो। अभी सबसे पहले आम का बात छोड़ो, आम तो अभी गर्मी का सीजन है, आम बहुत खाएंगे बट बड़ा वाला आम मिलता है यार दुकान में भी बाजार में भी, इस तरह से ताजा ताजा छोटा वाला आम नहीं मिलता। तो मुझे छोटा वाला आम मिला, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके टेलीग्राम पर डालूंगा, ठीक है, मतलब इसको किस तरह से हम लोग बना करके खाते हैं। तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन नहीं तो पहले टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम का नाम है एंड्रॉइड ज्ञान, आप एंड्रॉइड ज्ञान सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर देखो एंड्रॉइड ज्ञान का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का यहां पर देख सकते होंगे, एंड्रॉइड ज्ञान नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलता है, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो आज ही मैं एक एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाया था, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, फ्लिपकार्ट यहां पर देखो आज ही के डेट में पेटीएम कैश भी लिया था। देखो कितना तारीख है, 23 तारीख चौथा महीना 2023, और आज ही के डेट में देखो पैसा आ भी गया था कैश ईएम एप्लीकेशन की तरफ से, 23 तारीख चौथा महीना 24 तारीख आया, मतलब एक दिन के बाद पेमेंट आया मेरे। तो आप लोग चेक कर सकते हो भाई वीडियो लिंक है सब कुछ, टेलीग्राम पर पेमेंट प्रूफ है बहुत सारे नए एप्लीकेशन को लूट सब कुछ डालता ही रहता हूं। तो टेलीग्राम पर मैं फालतू बचत कभी कुछ भी नहीं डालता, जब भी डालता कुछ ना कुछ काम कहीं चीज रहता तभी मैं डालता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना फटाफट से, आप लोग चलिए एप्लीकेशन के तरफ आप लोगों को लेकर के चला जाता हूं और बताता हूं एप्लीकेशन मार्निंग कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन पर क्लिक करके, मतलब आपको गूगल अकाउंट की मदद से डायरेक्टली साइनअप करने का ऑप्शन मिलता है, बस आपको क्लिक करना होता है। आपको क्लिक कर देने के बाद आप लोग डायरेक्टली गूगल अकाउंट की मदद से साइनअप कर सकते हो, जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा ईमेल आईडी का नाम आपको शो करेगा, अपना ईमेल आईडी डायरेक्टली यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन कीजिएगा भाई तो आप बोलिएगा कि ये एप्लीकेशन आपको एज मांगेगा, तो आपको एज आपको जो भी रहेगा आपको उतना डाल देना, मान के चलो मैं 22 लिख देता हूं। भाई इसमें एज से कोई मतलब नहीं है, बस ये जब आप फेस वेरिफिकेशन कीजिएगा ना, रिडीम लगाने से पहले फेस वेरिफिकेशन करवाता है उसी टाइम ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आपको एक मेल का ऑप्शन मिलता है, तो मेल आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, इस तरह से अगर कंटिन्यू ऑप्शन कर देना, ठीक है। इतना करोगे तो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन के अंदर मैं आप लोगों को काम कैसे कैसे करना इस बात को आपको समझते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है, और हो सके कभी कभी कि मेरा फोन का देखो ये फोन बहुत ज्यादा पुराना हो गया, तो मैं नया फोन जल्द ही लेने वाला हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा फोन अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो भाई आईफोन मत बोलना, और आईफोन से नीचे यानी कि 20,000 से नीचे तक में कोई आपका पसंद का कोई फोन है जो कि आपको चाहिए, लगता है कि हम ये फोन को लेंगे तो गेम वेम खेल सकते अच्छे तरीके से, अगर आपके नजर में कोई ऐसा फोन है तो कमेंट करके जरूर बताना जो कि 20,000 से नीचे का होना चाहिए। तो कमेंट के अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपका राय क्या, कौन सा फोन लेना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, और आप कौन सा फोन लेंगे अगर आपके पास 20,000 रुपया रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं एक फोन लेने वाला हूं ताकि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होता है इसी के लिए, ठीक है। अभी चलो फटाफट से एप्लीकेशन की तरफ आप लोगों को लेकर चला जाता, तो बता दो एप्लीकेशन में काम कैसे करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन आना है आपको, यहां पर रिवार्ड का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करोगे तो आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर आपको बोलेगा कि आपको राफा कोड एंटर कीजिएगा, आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। मेरा वॉलेट के अंदर में कितना पॉइंट है, 00 पॉइंट पड़ा हुआ। अभी अगर आपको 500 पॉइंट यहां पर मिल जाता है इंस्टेंट का इंस्टेंट, तब तो खुश हो जाएंगे। यहां पर आपको एक राफर कोड देता हूं, देखो ये राफर कोड 5QPDK4, ये राफर कोड का आपको क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे देखो सक्सेस लिख देना, जो कोड था मेरा अप्लाई हो चुका, ऊपर में देखो मेरा 500 कॉइन ऐड हो चुके तुरंत के तुरंत में। ये इंस्टेंट का इंस्टेंट होता है, बिना टाइम होगा तुरंत के तुरंत में इंस्टेंट का इंस्टेंट रिसीव हो जाता है। अभी फटाफट से 500 कॉइन की तो अर्निंग
में कर लिया हूं। और आप लोग भी अपने रिजल्ट को रेफर करना चाहते हो तो रेफर करके 500 कॉइन की अर्निंग यहां पर से लाइफ टाइम की अर्निंग कर सकते हो। और मेरे जो पुराने आईडी है उनमें से तो बहुत सारा अर्निंग में कर लिया। और हाँ, किसी किसी का भी जो पेमेंट लगाइएगा तो आपको कैश आउट को जो प्रॉब्लम है वो कुछ देर के बाद रिफंड कर देता, तो रिफंड आपको थोड़ा सा वेट करना है, एक दो दिन के वेट करने के बाद रिडीम लगाना। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन के ऑप्शन मिलते हैं, आप एप्लीकेशन से बहुत सारे ऑप्शन है इनको भी कंप्लीट करके मतलब ऑफर वाले बहुत सारे ऑफर कंप्लीट करते। यहाँ पर आपको एक स्टार का ऑप्शन मिलता है, इसमें बोलेगा आपको यूजर एक्सेस का परमिशन देना पड़ेगा। चलो मैं अलाउ करता हूं, अलाउ कर देने के बाद आगे क्वेश्चन देता हूं। जो भी आपका एक्सेस का परमिशन रहेगा ना, इसको अगर दे दोगे ना, जब भी आप एप्लीकेशन में से टास्क को कंप्लीट करोगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे और वो पैसे मैं आपको लाइव में अर्निंग करके दिखाऊंगा। तो चलो फटाफट से परमिशन देता हूं। तो परमिशन तो मैं दे दिया हूं, यहां पर से मैं क्लिक करता हूं, क्लिक कर देने बाद नोटिफिकेशन को अलाउ करता हूं, अलाउ कर देने के बाद में यहां पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के एप्लीकेशन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बदले आप लोगों को पॉइंट मिलेगा, एक से बढ़कर एक पॉइंट आपको मिलता है। तो आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर करके ढेर सारे पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हो भाई, मनपसंद एप्लीकेशन और मनपसंद आपको पॉइंट भी मिलेंगे। तो जैसे कि मान के चलो इस एप्लीकेशन को ओपन किया, इंस्टॉल कर लेता हूं, इंस्टॉल करने के बाद मैं ओपन करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पे क्लिक करना, क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। मात्र 3 मिनट तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना आपको पॉइंट रिसीव हो जाते हैं। 3 मिनट तक बस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेगा ना तो आपका पॉइंट तुरंत में रिसीव हो जाएंगे। बस आपको 3 मिनट तक लेकिन एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, यह कंपलसरी है। 3 मिनट तक एप्लीकेशन को ओपन नहीं करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो आपको फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर देखो मैं एप्लीकेशन को इस तरह से कर लेता हूं, इस तरह से कर देने के बाद इसे ओपन करके छोड़ दिया। लेकिन ओपन करके छोड़ोगे क्यों भाई, जब एप्लीकेशन मिल ही रहा है तो आपको थोड़ा सा इस तरह से करके काम कर लेना है, इस तरह से कर करके भाई आपको कैलेंडर वैलेंडर वाला कुछ है तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करने बोल रहा है, क्यों करने बोल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यहां पर देखने को मिलता है 23 तारीख हो गया, 24 तारीख हो गया। यहाँ पर देखो तारीख मतलब भाई ये कैलेंडर मुझे लग रहा कि इतना तारीख को क्या, बट इसका जो लैंग्वेज है ना ये लैंग्वेज मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, ये कौन सा लैंग्वेज है, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में नाम क्यू माओ बिना तिन्हा काची नाम टे, मतलब बहुत तरह का ऑप्शन मिलता है। देखो आज जो भी है मतलब ट्यूजडे थर्सडे जो भी है तो ताऊ है, ऐसे करके लिखा ताऊ है 24 टैंक्स 4 2023 क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ये जो संडे मंडे इसका देख, ये भाई कोई राशि है या फिर संडे मंडे है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 6 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहाँ पर देखो बहुत सारे मतलब इसका शेड्यूल भी बहुत सारा बनाया, मतलब क्या है मुझे खुद समझ में ना। बट 3 मिनट तक इसका मुझे किस तरह से ओपन करके रखना, 3 मिनट तक मैं ओपन करके रखूंगा ना तो मुझे पॉइंट रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से करके इसका मतलब भाई अलग अलग एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर मान के चलो मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कोशिश करता हूँ, लैंग्वेज सेलेक्ट होता ना तो मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करके दिखाता। और यहाँ पर देखो भाई मतलब थोड़ा सा मैं वेट कर लेता, आपको दिखाने से कोई फायदा नहीं है सब। तो यहाँ पर देखो मैं लगभग थोड़ा देर तक वेट कर लिया, इसमें से बाहर निकल जाता हूं। बाहर निकल जाने के बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो कर लिए थे और इसका जो पॉइंट था मेरा पॉइंट मेरे वॉलेट के अंदर में रिसीव हो गया। देखो 740 पॉइंट हो चुके हैं क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा गेम को यहाँ पर प्ले किया था। इसमें और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे मान के चलो इस तरह से करके क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद ट्रैक ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन को आप लोग इस तरह से इंस्टॉल कर दो। गाना प्ले करने वाला एप्लीकेशन है तो मनी प्लेंट करके एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो तो इस पर भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन है भाई, मतलब आप लोग जिसको चाहो ना उसको ट्राई कर सकते हो, बस आपको इस तरह से करके पॉइंट की अर्निंग। देखो एडिटर वीडियो प्रो ऐसा करता, मतलब वीडियो एडिटर का भी एप्लीकेशन आपको यहां पर इसका मिल जाता है। तो अगर देखते हो मैं अच्छा वाला वीडियो एडिटर रहा ना तो भाई मैं यूज करूंगा इसको, क्योंकि मैं देखो अच्छा वीडियो एडिटर तो नहीं लग रहा, फालतू लग रहा है, मतलब वीडियो एडिटर है बट वो इतना काम कर नहीं। यहां पर आपको और भी एक एप्लीकेशन मिल जाता है जो कि मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है, हो सके इनकेस मैं नेक्स्ट वीडियो इसी एप्लीकेशन पर बना दूं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल ही गजब का एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन को फटाफट से मैं इंस्टॉल भी कर लेता हूं, क्योंकि एप्लीकेशन है तो काफी ज्यादा गजब का ही ना। तो चलिए फटाफट से मैं इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेता हूं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल क्या करना भाई, इंस्टॉल करके मैं रख देता हूं। 3 मिनट तक ओपन करके रखना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है, बिकॉज एप्लीकेशन के बारे में आगे भी आपको बताना है, इस तरह से करके लाइन बाय लाइन बताएंगे तो भाई थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से भाई चलो मैं थोड़ा देर तक इसको इंस्टॉल होने देता हूं, फिर इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको इस तरह से करके बाहर निकाल देता हूं। अब बाहर निकाल जाने के बाद में एप्लीकेशन में इस तरह का ऑप्शन पर क्लिक करना, यहां पर क्लिक करोगे या फिर इसी पर क्लिक करो, इसी पर क्लिक करो। यहां पर देखो प्ले गेम टू अर्न का ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहां पर आप लोगों को एप्लीकेशन मिलते हैं। इस एप्लीकेशन में अगर आप गेम को प्ले करते हो तो आपको गेम प्ले करने के बाद आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो गेम प्ले करते हो, 1 मिनट पर कितना पॉइंट देगा, 1 मिनट पर 42 पॉइंट दे रहा है। तो इस तरह से करके बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं जिसमें आपको 1 मिनट पर पॉइंट मिलेगा। अन अकेडमी, लर्निंग हब, इलू इलू लाइव क्लास सेट रूम देखने को मिलता है, हिप्पी एप्लीकेशन मिलता है और ये वाला गेम वाला ऑप्शन मिलता है, 1 मिनट पे 13 पॉइंट दे रहा है। चलो मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मैं इस वाले गेम को भी प्ले करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि भाई देखो लाइव प्रूफ का मतलब होता है 100% रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। और रियल एप्लीकेशन के साथ भाई लाइव प्रूफ का कहने का मतलब होता है ना कि पेमेंट आपके आंखों के सामने में लेकर दिखाना पड़ता है। तो मैं आपको पेमेंट आपके आंखों के सामने में लेकर दिखाऊंगा, अमेजोन गिफ्ट कार्ड लेकर दिखाऊंगा, उससे रिडीम करके दिखाऊंगा, फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट वाउचर लेना चाहते हो उसे भी ले सकते हो, हर एक चीज का आपको ऑप्शन यहां पर मिल जाते हैं। बट आपको जिस तरह से बात बताऊंगा उस तरह से आपको काम को करना पड़ेगा तभी जाकर के ये हो पाएगा। जैसे मान के चलो मैं इस गेम को ओपन करता हूं और 1 मिनट तक गेम प्ले करेंगे 13 पॉइंट मिलेगा, 2 मिनट गेम प्ले करेंगे उसका भी पॉइंट मिलेगा, 3 मिनट गेम प्ले करेंगे उसका भी पॉइंट मिलेगा। जितना गेम प्ले करेगा उतना सर आपको पॉइंट यहां पर से रिसीव होता रहेगा। मेरा यहां पर टाइमर चालू हो चुका है, अब मैं इस गेम को प्ले करूं या ना करूं बट आपको पॉइंट यहां पर से रिसीव होता रहेगा। जैसे कि मान के चलो ये वाला गेम आपको यहां पर से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां पर
ये क्या है भाई, मतलब कुछ समझ में नहीं। ओ ओ ओ इस तरह से कर करके, हाँ देखो इस तरह से करके आपको इसको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, इस तरह से कर करके मैच करोगे गेम को अंदर इस तरह एप्लीकेशन में से, तो अच्छा खासा पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हो। तो एक मिनट भाई, ये तो नहीं होगा इस तरह से कर करके। तो इसको किस तरह से करके लाए भाई, इसको और फिर इसको, तो इस तरह से क्लिक करोगे तो आपको क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट रिसीव होगा। जैसे मान के चलो इसको इसको क्लिक किया, इसको इसको क्लिक कर दिए, और फिर ये वाला क्लिक को ये वाला से, और इसको इससे, अब इसको इससे हो गया, तो अब इसको इससे कर देते हैं। ये गलत हो जा रहा है, इसको ये नहीं हो रहा भाई, इसको इससे करते हैं। अब देखना भाई, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हो गया तो देखो, ये वाला दिल वाला बिस्कुट और ये वाला नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे कर देते हैं। और भाई देखो, इसको इससे पहले करते हैं, उसके बाद फिर ओरियो को ओरियो से करते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो रहा, इसको फिर इससे करना पड़ेगा। चलिए अब इसको मैं चेक करता हूं ओरियो को, भाई क्यों नहीं हो रहा यार। अब ये हो गया, ओ देखो ये दिल वाला बिस्कुट को करके देखते हैं, तो ये हो गया। अब इसको मैं क्लिक करके देखता हूं, ये भी हो गया। अब इसको क्लिक करके देखते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको इससे क्लिक करेंगे, इसको इससे क्लिक करेंगे, तो ये मेरा पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको टाइम के अनुसार खेलना पड़ेगा, एक मिनट गेम प्ले करने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से गेम प्ले करेगा उतना आपको पॉइंट मिलेगा। थोड़ा देर तक मैं गेम को प्ले ही कर लेता हूं, फिर आगे का ऑप्शन को दिखाता हूं। तो भाई थोड़ा देर गेम खेलने के बाद में चलिए मैं इसमें से बाहर निकल जाता हूं। बाहर निकल जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख लेंगे टैप टू एग्जिट करके बोल रहा है। तो यहाँ पर भाई मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसमें से इसको डायरेक्टली यहाँ से रिसेंट से हटा लेता हूं। रिसेंट हटाने के बाद मैं इसने आपको फिर से क्लिक करके दिखाता हूं, और क्लिक करके डायरेक्टली आपको जो गेम प्ले करके पॉइंट मिला ये सब कुछ यहां पर आप चेक करते हो। यहां पर देखो गेम को यहां पर मेरा ट्रैक नहीं कर पाया आपको लग रहा होगा, बट आपको क्या करना, आपको रिसेंट पेज से इसको हटा देना। अब यहां पर देखो मेरा दो एप्लीकेशन को यूज किया हूं, दो एप्लीकेशन यहां पर मेरे है वैलेट के अंदर में। अब इन दोनों एप्लीकेशन में से पहले इन दोनों एप्लीकेशन को डिलीट कर दोगे तो आपका पॉइंट कट देगा। एप्लीकेशन को तीन दिन तक रखना भी पड़ेगा। तो यहां पर मैं फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद में यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करते हो। यहां पर क्लिक कर देंगे बाद भाई देखो इसका जो भी पॉइंट रहेगा थोड़ा देर के बाद में आपको रिसीव होगा, ठीक है। थोड़ा देर के बाद में देखो एक हो गया गेम प्ले, दूसरा तीसरा, इस तरह करके जितने भी एप्लीकेशन है सभी का आपको पॉइंट यहां पर से रिसीव होते रहेंगे, बट आपको गेम प्ले का पैसा रिसीव होगा। हाँ, आपको हो सके थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मतलब एक से दो मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब ऐड होता है ना तो इसमें भाई थोड़ा सा ट्रैकिंग प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से आप लोगों को टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आगे पीछे, बट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर इस तरह से आयरन सोर्स का ऑप्शन मिलता है, फाइबर टैप जो है, बहुत सारे वीडियो का भी सेक्शन मिलता है। ये वीडियो वाला ऑप्शन आने रहा, मतलब वीडियो वाला अभी लोड नहीं रहा, क्योंकि वीडियो जैसे लोड लेता है ना तो आपको वीडियो देखने का भी मतलब पैसे मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पोलफिस के सर्वे से मिलते हैं, मतलब तरह तरह के सर्वे से आपको लूट ऑप्शन मिल जाते हैं, तब इन सभी को ट्राई कर सकते हो। हिस्ट्री में आपको जो भी बताया था कि हिस्ट्री में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो कौन कौन कितना कितना अर्निंग कर रहा भाई, बहुत सारे लोग इतना अर्निंग कर रहे थे, आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर रिवार्ड का ऑप्शन पर पहले क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको शुरू बताया था कि पेपर कैश आपको मिलेगा, तो आपको पेपर कैश लेना, आप पेपर कैश इसमें से इजिली ले सकते हो। $1, $5, $10 जितना का लेना उतना तक कहां पर से पेपर कैश ले सकते हो। यहाँ पर आपको अगर मान के चलो गूगल पे गिफ्ट कार्ड और अमेजोन का गिफ्ट कार्ड और फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर लेना है, तो आपको इसके लिए आपको यहाँ पर पहले उसको देखो पहले मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो, आप मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ पर से कर सकते हो। आपको इंडिया सेलेक्ट करना, इंडिया आईएन मतलब इंडिया होता है, मोबाइल नंबर डालना, चेक का वैलिडिटी मतलब जितना का रिचार्ज करना उतना का सेलेक्ट करना, और आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। रेफर करना चाहते हो तो अपने एक दोस्त को रेफर करोगे तो 500 टोकन मिलेंगे, और ये 500 टोकन का यानी 500 जेम्स का जो भी यूज रहेगा आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। इसी पॉइंट का जेम्स जो है आपको यहाँ पर अर्निंग करना, यही पॉइंट का अर्निंग करना है। और ये और जो टेंगो कार्ड मिलता है आपको पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको आईएन का ऑप्शन पर क्लिक करना, जैसे कि आईएन का ऑप्शन पर क्लिक किए, चूज एन आइटम का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिवार्ड लिंक इंडिया का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इंडिया का ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद चूज एन आइटम का ऑप्शन पर क्लिक करके जितना का भी लेना, ₹50 का टेंगो कार्ड लेना है उतना का आपको टेंगो कार्ड लेना। आप जैसे ही ये वाला टेंगो कार्ड को रिडीम करोगे यहाँ पर ये हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सक्सेस होगा तो आपको आपका ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा, और जो मेल आएगा वो मेल कुछ इस तरह से करके आपको ईमेल आईडी पर आएगा। जो भी आपको मेल रहेगा उसको इस पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने बाद में इस तरह से करके बहुत सारे आपको मेल आएंगे। मान लो चलो मेरे पास एक मेल आया, तो मैं अपना एक ईमेल आईडी को यहाँ पर से इस तरह से करके किया था, और क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पर चेक करते हो कुछ इस तरह से करके टेंगो कार्ड आएगा। इसी टेंगो कार्ड के साथ साथ आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करना आपको। जैसे मान लो चलो जो लिंक मिलता है ना उस लिंक पर क्लिक करोगे, टेंगो कार्ड का जो भी लिंक रहेगा उस लिंक पर क्लिक करना। जैसे मान लो आप देखने सकेंगे, देखो यहाँ पर लिंक है ना, इसी लिंक पर क्लिक करना। इस वाले जो लिंक दिख रहा है ना रिवार्ड रिडीमशन लिंक, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। और जैसे रिवार्ड रिडीमशन लिंक ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो आपका सामने इस तरह से करके ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड या फिर कुछ भी करना, आपको आपका जो भी मर्जी रहेगा आपको उस तरह से करके क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अमेज़न का गिफ्ट करना है तो अमेज़न का ऑप्शन मिलता है, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलता है, देखो फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट वाउचर है। आप मान के चलो मैं जो अमेज़न का दो गिफ्ट कार्ड एक साथ में लेना है तो दोनों को मैं कार्ट में ऐड कर रहा, देखो यहाँ पर मेरा कार्ट में ऐड हो गया था, देखो यहाँ पर दोनों दोनों आ चुके इस जगह पर। अब इन दोनों ऑप्शन पर पहले क्लिक करना, यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, तो जैसे कंप्लीट रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ में आपको देखो मान के चलो मेरा कार्ट में कितना दो को ऐड हुए ना कार्ट में, इसी दोनों को यहाँ पर चेक कर सकते होंगे। इसे मैं क्या करना, कंप्लीट रिव्यू एंड कंप्लीट प्रोसेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एग्री करके कंप्लीट माय ऑर्डर का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये करेंगे ना तो मेरा जो ऑर्डर था वो ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा, और जो पेंडिंग दिख रहा है ये इंस्टेंट का इंस्टेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसका जो भी मेरा ईमेल आईडी के अंदर में इसका पेमेंट प्रूफ के तौर पर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो ईमेल आईडी पर मेरा जो रिडीम कोड है, देखो मैं रिफ्रेश किया, एक बार रिफ्रेश कर देना, देखो दो टेंगो कार्ड की तरफ से अमेज़न का गिफ्ट कार्ड रिसीव हो चुका है। अब इसे मैं क्या करूंगा, यहां पर से कॉपी करूंगा, कॉपी कर देने के बाद में जो भी एप्लीकेशन का रहेगा मैं जाऊंगा अपना अमेज़न का अमेज़न पे बैलेंस में, अमेज़न पे बैलेंस में जाने के बाद में अमेज़न पे जाकर
करके फटाक से मैं इसे रिडीम कर लेंगे, क्योंकि भाई रिडीम के बिना आपको प्रूफ मिलेगा नहीं। पर फटाफट से मैं क्लिक कर लेता हूं और क्लिक कर देने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से कर करके क्लिक कर देंगे तो ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो रिडीम क्लिक किए और क्लिक करके पेज के जो भी मेरा कोड था, कोड मेरा फटाक से रिडीम हो चुका है, जो भी मेरा 25 रुपए का कोड था ये कोड रिडीम हो चुका है। इस तरह से करके मैं नेक्स्ट ऑर्डर फिर से जाऊंगा, नेक्स्ट ऑर्डर जाने के बाद फिर से मैं कॉपी करूंगा और कॉपी कर देने के बाद मैं आपको फटाफट से करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोड है, कोड को कॉपी किए और कोड कॉपी कर देने देखो पेज के पेज कर रिडीम का ऑप्शन पर क्लिक किया, ये भी जो कोड है मेरा 25 रुपए का कोड रिडीम हो चुका है। इस तरह से करके आप जितना चाहे उतना ज्यादा रिडीम यहाँ पर से लगा सकते हो। अगर मान चुके तो अमेजन और फ्लिपकार्ट का हो गया, लेकिन गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कैसे लेंगे भाई? गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड लेने के लिए इसमें से पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस जगह पर, आपको गौर से देखो इस जगह पर नीचे आओगे तो एक मिनट आपको दिखाता हूं गौर से, तो देखो इस जगह पर आओगे यहाँ पर नीचे में आपको इसी का जस्ट बाहर में आपको मिलता है, देखो अमेजन में ही ऑप्शन इससे मिलेंगे। तो इस तरह से कर करके आप लोग यहाँ पर गौर से देखो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल प्ले रिचार्ज कोड का, इस पर क्लिक करेंगे आपको जितना रुपए का गूगल प्ले का रिचार्ज कोड लेना 1000, 2000, 3000, 4000 जितना रुपए का आपको रिडीम कोड लेना गूगल प्ले का मतलब रिचार्ज कोड लेना उतना का यहाँ पर मान के चलो डाल देना, जैसे मान के चलो मुझे 1000 रुपए लेना है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और अमेजन में जो पैसा ऐड हुआ था आपको अमेजन पे बैलेंस लिए थे उसी पैसा यहाँ पर देखो मेरे पास 4329 रुपए पड़े हुए, यहाँ पर मैं उसी पैसे से लेकर डायरेक्टली यहाँ पर मैं रिडीम कर लूंगा। इस तरह से कर करके भाई आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा लूट मचा सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। मैं लाइव पेमेंट प्रूफ के साथ वीडियो बता दिया हूँ, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दबा करके लूटो एप्लीकेशन को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में चलो बाय।